यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश एक के बाद एक चोरी, लूट और हत्या जैसे आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने एक बार फिर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में NH91 पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार चार बदमाशों ने सिकंदराबाद की ओर जा रहे शराब के दो सेल्समैन की बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया और हथियार के बल पर दोनों सेल्समैन से 2,30,000 रुपये लूट लिए। इतना ही नहीं, पीड़ित सेल्समैन ने जब लूट का विरोध किया तो बेखौफ बदमाशों ने दोनों सेल्समैन पर हमला भी कर दिया। 3-4 लाख रुपया था। अच्छा, तो ये कहाँ लूट, कहाँ हुई? हाईवे पे हुई है क्या? हाईवे पे ही देखा है, बंदों ने भी देखा है, जो वाहन रुक गए थे उन्होंने भी देखा था ये नज़ारा। बदमाश हाईवे पे तुमसे लूट करते रहे? हाँ। किस चीज़ से हमला किया तुम पे? डंडे से। वहीं NH91 पर दिन दहाड़े लूट की घटना की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर SP सिटी भारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और घटना का जल्द खुलासा करने का दावा किया। लगभग 2,30,000 रुपए जो अभी तक बताए हैं ले करके ये शराब की दुकानों के सेल्समैन है, इनके साथ डंडा मार करके लूट की घटना घटित हुई है। चेकिंग कराई जा रही है, प्रॉपर तलाश की जा रही है बदमाशों की, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कितने बदमाश थे और किस तरह से लूट हुई है? लगभग 6 बदमाश बताए जा रहे हैं। तो 4 बदमाश बताए गए हैं, 2 जो जिन्होंने सूचना दी है इस कंट्रोल रूम को, वो भी प्राइवेट लोग थे और उन्होंने सूचना दी राह चलते हुए, उसी को लेकर के बताया जा रहा है। 4 लोग थे, लूट की घटना की है, बाकी गिरफ्तारी। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है, लेकिन बुलंदशहर में बदमाश एक के बाद एक जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद बुलंदशहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।